हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फो ट्यूब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपना फेसबुक पे एक नया फ़ोटो डाल सकते हैं, और फिर मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कैसे जो है आप अपना फ़ोटो के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कि आपने फेसबुक पर देखा होगा, जो भी आप फ़ोटो देखते हैं उसके ऊपर कुछ लिखा होता है कुछ इस प्रकार से। तो फिर इस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जो है आप एक नया फ़ोटो पोस्ट कर सकते हैं, कैसे उस पर लिख सकते हैं, इसका जो भी एडिटिंग होता है सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। इसी वजह से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए हम फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर आप भी अपने फेसबुक में एक नया फोटो डालना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फेसबुक का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपने फेसबुक का एप्लीकेशन ओपन कर लिया। फेसबुक का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बीच में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ़ोटोज़ का। इस पर आपको ये वाला बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपने गैलरी से फ़ोटो उठा लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप अपने गैलरी पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फ़ोटो यहाँ से उठा लेते हैं। फ़ोटो उठाने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे दो फोटो डालना चाहते हैं तो दो ले सकते हैं, अगर एक डालना है तो आप एक पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो फिर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे एक आपको लिखने टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, बॉक्स टाइप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं गुड नाइट, गुड इवनिंग। आपको जो भी मन में आया आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है आप अपने फ़ोटो के साथ इसको पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वाला बटन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप फ़ोटो क्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर आपको आधा फ़ोटो लगाना है तो फिर इसको आधा कर लीजिए आप कुछ इस प्रकार से, और डन वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर इतना फ़ोटो आ गया। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद से अगर आपको फ़ोटो के ऊपर कुछ लिखना है ना, तो फिर ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं डबल ए लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पे लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने गुड नाइट लिखा था तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ गुड नाइट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद से आपको डन वाले बटन में क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड नाइट। तो फिर कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे काफ़ी सारा आपको स्टिकर का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके जो है आप अपना स्टिकर भी ढूंढ सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार स्टिकर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद से आपको यहाँ पर से आप पूरा काम कर सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे एक टैग करने का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके जो है आप अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं। उसके बाद से आपको डन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो फिर जैसे आप यहाँ पे कर देते हैं ना, तो फिर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर एक बटन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड का, इस पर क्लिक कर देना है आपको। और फिर यहाँ पे लगभग तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पहला है पब्लिक, दूसरा है फ्रेंड, और तीसरा है फ्रेंड एक्सपेक्ट। तो फ्रेंड, बेसिकली होता क्या है, जैसे पब्लिक पे आप क्लिक करते हैं ना, तो कोई भी बंदा अगर आपसे नहीं जुड़ा हुआ है आपके फेसबुक से तो भी जो है यहाँ पे वो फोटो आपका देख पाएगा। लेकिन फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे फ्रेंड पे करते हैं ना, तो जो आपका दोस्त है फेसबुक पे, सिर्फ और सिर्फ वही आपका फोटो देख पाएगा। और फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जिसको टिक कर दीजिएगा ना, तो फिर वो बंदा आपका प्रोफाइल पिक्चर नहीं देख पाएगा। आप जो भी फोटो यहाँ पे डालते हैं वो बंदा आपका फोटो नहीं दिख पाएगा। अगर आप यहाँ पे तीसरा वाला बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको सी मोर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिक फ्रेंड, यानी कि इस पर क्लिक करके आप जो भी बंदा को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद से जिस भी बंदा को आप सिलेक्ट कीजिए सिर्फ उसी को जो है आपका फोटो दिख पाएगा। और यहाँ पे लास्ट है ओनली मी। अगर आप कोई फोटो को प्राइवेट रखना चाहते हैं फेसबुक पर, आप चाहते हैं आप गैलरी से डिलीट ना हो, तो यहाँ पे ओनली मी अगर आप कर देते ना, तो फिर इससे ये होगा कि वो फोटो सिर्फ आप ही देख पाइएगा, आप ही के प्रोफाइल में होगा, आपके अलावा कोई नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्रेंड पे रहने देते हैं, आपको भी फ्रेंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। इतना कुछ करने के बाद जो है आपको यहाँ पे पोस्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो फिर जैसे आप यहाँ पे कर देते हैं ना, तो फाइनली आपको यहाँ पे फोटो पोस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फोटो है वो पोस्ट हो गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन अमेजिंग वीडियो में।